हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज राजन सर बहुत ही पावरफुल कंटेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, खास बात यह है, इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं? आप पहले जान जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे चर्चा करूंगा। दूसरी चीज़, मैं एग्ज़ाम प्रस्पेक्टिव से क्या क्या बुक्स आपकी होंगी वो भी रिकमेंड करूंगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से BW कैंपस आपकी क्या मदद करेगा ये भी बताऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर की भी बातें करूंगा, टेस्ट सीरीज़ की भी बातें करूंगा, एंड साथ ही साथ मैं खुद आपको किस चीज़ का सपोर्ट दे रहा हूं वो भी बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, काम की आपके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा BW कैंपस के बारे में बता देते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एंड स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर इन सारी चीज़ों की तैयारी वीडियो लेक्चर, मेंटर सपोर्ट, 24/7 टेस्ट सीरीज, इन सब जरिए से होती है। तो अगर आप लोग को किसी भी कोर्सेज की कोई भी नीड होगी तो नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर 7080052012 पर कॉल करें, आपकी डेफिनेटली मदद होगी। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप LLB को लेकर। ठीक है दोस्तों, मैं BHU LLB की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एग्ज़ाम आपका 10+2+3 का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको बोर्ड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी होना पड़ता है। इसके बाद आप LLB के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम LLB को लेकर है, एंड BHU में इसका कोर्स कोड नंबर 151 है। मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी, आप यहाँ देख रहे होंगे, एटलीस्ट आपकी 10+2+3 होनी चाहिए, और उसमें एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एज अ जनरल कैंडिडेट, एज अ OBC कैंडिडेट आपके 45% होने चाहिए, एंड एज अ SC ST कैंडिडेट आपके 40% होने चाहिए मिनिमम तौर पे। आप यहाँ पर नोटेड चीज़ों को देख सकते हैं, इन तीनों को। अब आगे हम बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, जो कि आप सभी की मान होती है कि सर नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो नंबर ऑफ सीट्स 286 नंबर ऑफ सीट्स है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर होता है, यहाँ पेपर में 150 MCQ आपके आते हैं, जिनमें से एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स की होती है, मतलब 2 घंटे की एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है। यहाँ पर जब आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 3 नंबर मिलता है, और वहीं पर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 नंबर माइनस, आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। इसका मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग है और 3 नंबर आपका गेनिंग है। यहाँ पर आपका एंट्रेंस में पूछा जाने वाला नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होता है, इसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन जाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, 450 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। अभी स्ट्रेटजी को लेकर मैं टाइम फैक्टर एंड इन सारे नंबर्स को लेकर डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में। तब तक हम इस चीज़ के आने वाले इंट्रेंस में, जो आगामी इंट्रेंस है, पेपर एनालिसिस किया, मैं पेपर एनालिसिस की बात करूंगा। मगर उससे पहले, एनालिसिस बताने से पहले, मैं आपको यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हुए हैं गत साल में और इस बार किन के आने वाले हैं उन टॉपिक्स को बता देता हूँ और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और कॉमन लीगल नॉलेज, इससे आए हैं 100 MCQs आए हैं आपके इस 2 सेक्शन से। एंड साथ ही साथ थर्ड सेक्शन है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, इससे आए हैं आपके 30 क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ लैंग्वेज पोर्शन, जिसमें ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है, इनसे पूछे जाते हैं आपके 20 क्वेश्चंस। ये आपके ऊपर है, आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हो या हिंदी का सेक्शन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो LLB का पेपर्स होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है BHU LLB का। यहाँ पर आपको पहले ही डिसाइड करना होता है कि आप हिंदी सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या इंग्लिश सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो। आप इंग्लिश सेट पे करोगे तो पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, हिंदी सेट पे करोगे तो हिंदी में आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तब प्रोसीड करेगा अपने CBT एग्ज़ाम टाइम पर। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं
पेपर एनालिसिस को लेकर एक बात बता देता हूँ, गत 10 से भी ज़्यादा सालों के पेपर bwcampus.com पे अवेलेबल हैं आपके लिए, LLB का, BHU LLB का। यहाँ पर मैं बहुत ही पुराने समय से LLB को रीड भी कर रहा हूँ, उसके होने वाले उतार चढ़ाव एंड बदलाव को लेकर, जहाँ पर 2019 में सबसे ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। सबसे ज़्यादा अगर वेरिएशन किसी चीज़ में आए हैं तो वो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आए हैं। वो लीगल एप्टीट्यूड क्या है, ये चीज़ जो है कॉमन लीगल नॉलेज, ये चीज़ 2019 में सबसे ज़्यादा पूछी गई है। एंड साथ ही साथ 2019 के पेपर में मैंने ये पाया कि यहाँ पर लॉ फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की मात्रा विगत के पेपरों से बढ़कर 20% एक्सेस हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो LLB के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। इनको लेकर मैंने और टीम ने आपके लिए फुल फ्लेज्ड सिलेबस तैयार किया है LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का। यहाँ पर आपको ये जो सारे टॉपिक्स आपके दिख रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स के डिटेल में कि इस टॉपिक से, खासकर ये जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कॉमन लीगल नॉलेज, कि इनमें से हर एक टॉपिक्स को मैंने डाला है, वो आप कहाँ से मिलेगा वो सिलेबस, आपको डिटेल सिलेबस BW कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको वो डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। एंड फ्यूचर को लेकर एक छोटे से सपोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ उन सारे LLB वालों के लिए जो LLB में अपना भविष्य खोज रहे हैं। और आप जानते हैं BHU का LLB जज की धरती कही जाती है, तो यहाँ पर तो आपका एडमिशन बनता है। मैं यहाँ के कटाव की भी चर्चा करूँगा, बट ये बता दूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID rajansahu01 है, इस इंस्टाग्राम ID पे आइए, वहाँ पर मैसेज में ड्रॉप करिए, लिखिए कि आपको BHU से LLB करना है, बस आप इतना डाल दीजिए, वहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप का इनवाइट लिंक भेज दूंगा और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा LLB को लेकर, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मटेरियल मैं भी दूंगा। और साथ ही साथ वह एडमिन पावर ग्रुप नहीं होगा बिल्कुल भी, एंड आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी कर पाओगे, मदद भी ले पाओगे, एक दूसरे की मदद भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ आगे बढ़ने को लेकर। अब मैं बता रहा हूँ कि उस सिलेबस को जरूर डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम पे जाकर या ग्रुप में आएंगे तो अपने आप मिल ही जाएगा आपको। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा चेंजेस कॉमन लीगल नॉलेज के फैक्टर को देखकर मिली हमें। एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 2019 या विगत वर्षों का पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में या जनरल ये क्रीम प्रोडक्ट है आपके गेनिंग के लिए। एंड साथ ही साथ इनका ग्रामर पोर्शन भी बहुत ही अच्छे से कंसीडर करिएगा, चाहे हिंदी को कंसीडर करिएगा चाहे इंग्लिश कंसीडर करिएगा, मगर कंसीडर सही डिसीजन पे करिएगा। अब यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों की चर्चा करने के साथ साथ अब आपको मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको बुक्स का भी सजेशन देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को आगे क्या क्या मिलेगा ये भी चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन 450 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं जनरल के कैंडिडेट्स, जनरल के कैंडिडेट्स को बहुत ही ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, एंड इसकी वजह से जो इसका कट ऑफ का लेवल है वो कहीं ना कहीं 330 के ऊपर चला जाता है, 330 के ऊपर चला जाता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी एग्जामिनेशन में जो आपका कट ऑफ है वो 330 का प्लस टच कर जा रहा है तो OBC कहाँ पर वैरी करेगा, 300 पे वैरी करेगा, एंड SC ST कैंडिडेट कहाँ वैरी करेगा, 250 प्लस पे वैरी करेगा, 280 प्लस पे वैरी करेगा। बिकॉज आज कंपटीशन बहुत ही अच्छा है, सभी को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, चाहे वो SC ST कैंडिडेट हो, OBC हो, जनरल हो, सभी को बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, सफिस्टिकेटेड ज्ञान मिल रहा है, तो इसीलिए कंपटीशन का लेवल भारी हो जाता है, जिसको लेकर जनरल वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात आप मेरी अच्छे से याद रखें, जबकि EWS आ गया है
ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट ये चीज फैक्ट है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको BHU का कैंडिडेट बनना है तो आपको 330 प्लस का अपना दिमाग में टारगेट लेके चलना है। ये टारगेट आपका अचीव कैसे होगा, 330 प्लस का टारगेट अचीव कैसे होगा, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं राजन सर की स्ट्रेटजी, मेरी खुद की स्ट्रेटजी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ट्रायंगलर की ऑफ सक्सेस है, ये मेरा फ्रेमवर्क है, ट्रायंगलर की ऑफ सक्सेस है। जब आप ग्रुप में आओगे ना तो मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं भाई, मैं बस चाहता हूं कि आप तक ऑथेंटिक नॉलेज पहुंचे, इसीलिए मैं इस ग्रुप को क्रिएट कर रहा हूं। रही बात जो फ्यूचर में टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूं, आने वाली है 10 से 15 दिनों के अंदर में, इसी होली के इर्द गिर्द ही वो आ जाएगी आपके सामने अनाउंसमेंट में। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे से मैं डिजाइन किया हूं वो मिल जाएंगी, एंड साथ ही साथ ट्रायंगलर की ऑफ सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको सिखाऊंगा, जिससे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक भी क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वो बिल्कुल ना छूट जाएं। साथ ही साथ फ्रेमवर्क के साथ मिलकर आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि डेली बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को कैसे रन करो। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूं मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात। 450 मार्क्स, जिसमें आपको 330 मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। ये आएगा कैसे, तो दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आपको 100% सिक्योर करना है। वो दो प्रोडक्ट क्या है, वो दो प्रोडक्ट ये हैं। कैसे, ये आपका एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी का 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके हैं लैंग्वेज से, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हो गए, मतलब 150 मार्क्स। ठीक है, 150 मार्क्स हो गया, ये आपको पोर्शन सबसे ज्यादा सिक्योर्ड करने की आवश्यकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप इनमें 100% गेन कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस से। अब यहां पर मैं आता हूं कि विगत वर्षों से लेकर अब तक का जो भी मेरा अनुभव रहा है उसमें मैंने यही चीज देखी है कि अगर कहीं पर भी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और कॉमन लीगल नॉलेज, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर बच्चे 50 से 60% ही गेन कर पाते हैं। तो इनकी मात्रा कितनी है क्वेश्चंस की, अब आप ये देखिए, इनमें आने वाले क्वेश्चंस हैं 100 इन दोनों सेक्शन से। अगर इन दोनों सेक्शन के 100 क्वेश्चंस में से आप 50 to 60, मतलब मान लिया मैंने आप 60 क्वेश्चंस को गेन करने में सक्षम होते हैं, 60 क्वेश्चन, जैसे कि पीछे पास्ट इसका ऐसा ही है, तो ये कितना बनेगा, ये आपका बन गया है 330। ठीक है, 330 का गोल्डन आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। इसमें भी देखा गया है कि कई बच्चे 346 या 356 इस तक भी चले गए हैं। वो कैसे चले गए, बिकॉज उन्होंने क्या किया, एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज में गेन तो किया 100%, साथ ही साथ इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, कॉमन लीगल नॉलेज से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बनके ना, 10 से 20 क्वेश्चन मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 कॉमन लीगल नॉलेज से आपको मिलने ही मिलने वाला है। यहां पर वो उसको भी पूरा पूरा गेन करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैथ का पोर्शन नहीं पूछा जा रहा है LLB के एंट्रेंस एग्जाम में, तो मैथ की जगह पे क्या ले रहा है, कॉमन लीगल नॉलेज ले रहा है। आप समय कहां से बचाएंगे, मैं टाइम फैक्टर पे भी आ रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको मार्क्स फैक्टर बता दिया, अब मैं टाइम फैक्टर की बात करूंगा कि अपना समय कहां से बचाओ। सबसे पहले जब आपके सामने CBT ओपन होता है ना, तो वहां पर आप इन चारों सेक्शन को चुन सकते हो, कि किस सेक्शन को आपको पहले सॉल्व करना है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहला सेक्शन आप चुनने के लिए जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है अगर आपको आएगा तो सही मारोगे। यहां पर माइनस मार्किंग है जो कि शुरू में बता दिया हूं, तो एक ओथ ले लो, एक प्रण ले लो, सही करेंगे, सही के सिवा नहीं करेंगे। जब आप ऐसे कंडीशन में आओगे तो आप जितने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे उनको राइट मार के आगे बढ़ जाना, निगेटिव मत करना, और ना ये मत कहना कि राजन सर ने स्ट्रेटजी नहीं बताई थी और आप अटक गए। अब यहां पर कॉमन लीगल नॉलेज को टच भी मत करना, कॉमन लीगल नॉलेज के लिए मैं आपका समय बचा रहा हूं। यहां से आप ये सेक्शन को कितने में निकाल लोगे, ये सेक्शन निकालने में आपके 30 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट आपके लगेंगे इस सेक्शन को
क्रॉस करने में, बिकॉज ये सेक्शन क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, मार दिया और आगे बढ़े, रुकना मत, फास्ट काम करना है इस सेक्शन पर। इसके बाद सेकंड सेक्शन आपको क्या सॉल्व करना है, सेकंड सेक्शन आपको लैंग्वेज का सॉल्व करना है। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को टेस्ट भी कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी मैं टेस्ट सीरीज एनालिसिस टेबल से कराऊंगा आपकी, जब आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी इनरोल्ड हो जाओगे। एंड इसके साथ साथ आपके 15 मिनट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। अब बात आती है इस सेक्शन की, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। इसके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इन 30 क्वेश्चंस में से आप 20-25 मिनट में इसको सॉल्व करना ही करना है, 20-25 मिनट में हर हाल में इसको सॉल्व करना है, तभी जाकर आपको एक अच्छा एज मिलेगा कॉमन लीगल नॉलेज करने का, ठीक है। तो मैं यहां पर 25 यहां पर लिख देता हूं कि मिनट्स के लिए आपके पास कितने हो गए हैं, 70 मिनट, ठीक है। और आपके 120 मिनट में से अब आपके कितने मिनट बच रहे हैं, 50 मिनट, कितने बचे, 50 मिनट। मैंने 50 मिनट आपका बचाया क्यों, आपको इतने फास्ट रश कराया और आपका 50 मिनट बचाया क्यों, मैंने बताया था पहले कि जो कॉमन लीगल नॉलेज है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोच विचार कर डिसीजन लेना पड़ता है। जब भी आप इसका पेपर चेक करेंगे पाएंगे कि यार कॉमन लीगल नॉलेज सर के ऊपर से बाउंस करके गया, तो ऐसा ना हो इसके लिए एक अच्छा समय होना चाहिए जिसमें हम उस क्वेश्चंस पे, हर एक क्वेश्चंस पे 2-3 मिनट अपना दें प्रॉपर तरीके से। इसी के लिए मैंने आपका 50 मिनट बचाया कि आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोच सको, समझ सको, गलत मत करना। पहले से बता दिया हूं, छोड़ने में भलाई है कि नहीं समझ में आए छोड़ दो, तुक्का मत मारना, गलत मत करना कॉमन लीगल वाले क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैंने आपके पूरा समय बचाया है, ये समय इस पर अप्लाई करना कॉमन लीगल नॉलेज को टैकल करने में। अब इसके अलावा जो भी आपके पार्ट छूटेंगे, मैं ऑलरेडी ग्रुप में रहूंगा आपको पूरी चीजें अच्छे से बताने में कि आपकी और भी कैसे सारी मैनेजमेंट को अपनाओ, किस तरीके से अपने फ्रेमवर्क को फिल करके डेली बेसिस पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज आने के बाद टेस्ट सीरीज एनालिसिस टेबल को कैसे फॉलो करो कि आपके टेस्ट सीरीज की होने वाली रैंकिंग भी अच्छी सुधरती चली जाए। अब मैं बात करता हूँ इस ओवरऑल के कंक्लूजन की कि आपका शुरुआत से लेकर मैं चला हूँ अब तक का कंक्लूजन क्या निकला है। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि सर जी एक बार बताइए कि मुझे कितना समय पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसको लेकर मैं जवाब दूंगा फ्रेमवर्क में कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड करेगा कि आप पास्ट में कितना पढ़े। पता चला आप पास्ट में 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के आए हुए हैं और अभी, तब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पास्ट आपका बहुत अच्छा है, आपके कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको उसको फाइंड करने के लिए शार्प वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब की ट्रेनिंग मैं आपको ग्रुप्स में दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये सारी चर्चा हो गई, अब मैं बुक्स को लेकर बता देता हूँ आपको तेज़ी से। यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर, जो हिंदी लैंग्वेज है उसको लेकर मैं लूसेंट की बुक फॉलो करता हूँ, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश को लेकर मैं केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्रिफर करता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। पैरामाउंट की बुक बहुत बढ़िया होती है, आप इन बुक्स को देख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास पहले से भी कोई बुक है, BW कैंपस का सिलेबस ओपन करो जो मैंने प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस से मैच कराओ, जो मैच कर रहा है आप उसी को पढ़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा का कुछ भी मत लगाना, अच्छे से याद रखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, आप सभी LLB के स्टूडेंट्स हो, आपके पास ऑलरेडी कंपटीशंस की बहुत सारी मिनी मोर्स बुक्स हैं, उनमें से रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। जिनके पास बुक्स नहीं है, मार्केट में जाकर जो सिलेबस हमने दिया है वो सिलेबस मैच करा लेना, जिसमें भी 90% प्लस सिलेबस मैच हो जाए वो परचेस करना। अब आता हूँ यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को लेके, करंट अफेयर्स को लेके ऑलरेडी यहाँ पर मैं बंडल प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग की हेल्प करने के लिए, खासकर LLB वालों के लिए, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स LLB से भी मैच होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है, ग्रुप्स में लेकर इसकी भी मदद करूंगा। एंड इसमें आपकी मदद कर सकता है लूसेंट की जो MCQ वाली आती है, वन लाइनर आती है, उसको ले लीजिएगा और सेम ही टॉपिक जितने मैंने सिलेबस में दिए हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को कंसीडर करिएगा, ठीक है।
अब आती है बात कॉमन लीगल नॉलेज की, तो कॉमन लीगल नॉलेज को लेकर कोई भी ऐसी बुक मार्केट में मुझे नहीं दिखी है कि जिस पर आप एक बार अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। जैसे ये ब्लैट का एग्ज़ाम है, मैंने वहीं पर क्लैट के एग्ज़ाम को भी देखा, चीज़ों को फॉलो किया, तो क्लैट के क्वेश्चंस जो कॉमन लीगल नॉलेज हैं और बीएचयू का ब्लैट के क्वेश्चंस हैं वो दोनों मैच करते हैं, बट क्लैट का लेवल हाई है, ब्लैट जो बीएचयू का पेपर है उसका लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो आप क्लैट के लेवल को इसमें भी मैच करा सकते हो क्लैट की कोई भी बुक को परचेस करके, जिससे कि आपकी इसमें भी मदद हो सकती है। बट हाँ, एक बार याद रखिएगा, जो मैंने सिलेबस बनाया है वो ब्लैट मतलब बीएचयू के एलएलबी को लेकर बनाया है, आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा अपनी स्टडीज़ में। बाकी तो मैं मदद करने के लिए मैं ग्रुप्स में आपके रहूँगा ही। 7080052012 पे कॉल करिए अगर कोई भी आपको समस्या होती है या फिर कुछ और जानना है आपको नॉलेज के तौर पर। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी राजन साहू 01, यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करना मत भूलिएगा। अगर आपको ग्रुप में आना है, मेरे दिशा निर्देशों में पढ़ना है, तो उसके लिए नेवर गिव अप। Never give up.